दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं ये मुझे ईमेल में मिल चुका है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फाइनल डिसीजन जो है वो 72 घंटे में आपको मिल जाएगा और आपको कॉल करके जो है वो जानकारी ली जाएगी। देख सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं। वीडियो केवाईसी के बाद डॉक्यूमेंट्स पिकअप का आया था तो मैंने यहाँ पे एक महीने का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट और पैन कार्ड दिया और यहाँ पे कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद ये मुझे SMS आया है, कल शाम मेरी KYC हो गई 6 सितंबर को, आज 7 तारीख है और देख सकते हैं आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ़र आ रहा है इस प्रकार से बैनर, मुझे कई प्रकार से जो बैनर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं वीज़ा कार्ड के साथ ये कार्ड आपको मिल सकता है और काफ़ी हाई चांसेस हैं आपको अप्रूव होने में, तो आप जो है वो कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है तभी आप अप्लाई करिए, अन्यथा मत करिए। और मुझे ये फ्लिपकार्ट पे भी जो है वो ऐड दिखाने लगा, जब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, हर जगह मुझे ये ऐड दिखाने लगा। और देख लीजिए आफ्टर BDKYC के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ इस वीडियो में और आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स फॉर अप्लाइंग, सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो आप मुझे एक एप्लीकेशन ID जो है वो मिली और इसी से आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं अपना स्टेटस। और इसके बाद फिर मुझे BDKYC की थी तो मैंने BDKYC डन कर ली, सिर्फ पैन कार्ड दिखाया और पिन कोड पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, ये मेरा BDKYC के टाइम ओनली पैन कार्ड पूछा गया था और पिन कोड क्या है आपका, करंट पिन कोड क्या है वो पूछा गया। फिर उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स इनकम जो होते हैं वो आपसे लिए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, इस आइडेंटिटी कार्ड में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID आपको देनी होगी। इनकम प्रूफ में आपको जो है वो इन तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट, सॉरी अदर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिया एक महीने का वो भी, और यहाँ पे देख लीजिए। फिर इससे पहले ये आ रहा था जब BDKYC की थी, यहाँ पे आपका बैंक अप्रूवल हुआ, डॉक्यूमेंट्स पिकअप हो गए, कार्ड जनरेशन का रह गया है, लेकिन जैसे ही आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स जब पिकअप हो जाएंगे और वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको किस प्रकार से दिखेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पे जैसे ही वो पिकअप करने आया था डॉक्यूमेंट्स, फिर यहाँ पे एक SMS प्राप्त हुआ था, ये SMS आपको इसमें Gmail ID और यहाँ पे वो OTP के थ्रू वेरीफाई किया था आपसे, बस डिटेल्स ली गई थी आपकी, माता का नाम, पिता का नाम और आप क्या क्या करते हैं, आपको जो ये डिटेल्स देनी पड़ेगी तभी आप आगे जो है वो प्रोसेस कर पाएंगे और आपसे Email ID वेरीफाई की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं थैंक्स फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक वीज़ा क्रेडिट कार्ड, दिस कार्ड हैज़ बीन ज्वाइनिंग, 0 ज्वाइनिंग फीस है, एनुअल फीस भी 0 है, कम्युनिकेशन Email ID देख सकते हैं यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ये OTP आई, आप इस OTP को वेरीफाई कर सकते हैं और सेम यही मेल आपको आपके Email ID पे भी मिल जाएगा, आपको जो आपका नंबर जो आपने दिया होगा रजिस्टर्ड उस पे भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल्स। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, मेरे करीब शाम 7 बजे हुए थे और ये मुझे रात्रि में जो है करीब 2-2.5 बजे के आसपास ये मेरे मैसेज आया था, और KYC डॉक्यूमेंट्स रिसीव, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बीइंग प्रोसेस्ड विल बी इन्फॉर्म यू स्टेटस शॉर्टली। आपको जो KYC दिए हैं वो सबमिट हो चुके हैं और आपको जो है आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूवल होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यह है, एक मेल आया था आज करीब 12 बजे और इस मेल में यह लिखा हुआ था कि अगले 72 घंटे में आपको पता चल जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड जनरेशन का दिन आज का डेट है और यहाँ पे कार्ड जनरेट अभी तक तो मेरे पास कोई कॉल भी नहीं आया है और जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको जो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा फिजिकल कार्ड आ जाता है, वर्चुअल कार्ड आ जाता है तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ से मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिया गया था, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट और पैन कार्ड लिया गया था और देख लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स पिकअप हो चुके हैं और इसका स्टेटस भी जो है वो चेंज हो चुका है। अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो मैं वीडियो एक बनाऊंगा और इस चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।